जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न कर्ता पोषक हो, आज तुम मुझे ऐसे व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती है, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया था। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस युग में रूपवती से भिक्षा न लेकर के और अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर के बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात करके अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे
मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन लेकिन पुत्र पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत बहुत ही हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण हरण कर लीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। तब तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरी वृत्तांत कहकर स्वयं चला गया। वहाँ पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धरेश्वर, जा तेरी यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 मास का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के बना बनाकर शिव जी की पूजा करना, लेकिन लेकिन पूर्णमासी को 32 जाना चाहिए और प्रातः काल इस स्थान के समीप एक आम का दिखाई देगा, उसे तुम चढ़कर फल कर सिख अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना और स्नान करने के बाद वह शोक करके और शंकर जी का ध्यान करके फल खा लेगी। तब तब भगवान शंकर की पास ही गर्व गर्व भर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल था तो उसने उस स्थान के पास एक आम काम का देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम काम का लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम काम का तोड़ लिया और अपनी स्त्री को ला कर दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने उसका नाम भी दास रखा। बालक अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 मास के व्रत रखना शुरू कर दिया था, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16 साल लगते ही देवी दास के पिता को बहुत चिंता हो गई थी, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन पाएंगे। तो उन्होंने देवी दास की मामा को बुलाया और कहा कि देवी दास एक वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में चले जाओ और एक वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनकी माता पिता ने देवी दास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा के साथ ही भेज दिया। किंतु ये बात उसके मामा या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 मासियों का पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात आने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहाँ पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहाँ बारात रुकी थी वहाँ पर ही देवी दास और उनके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवी दास विवाह को अपना
मान लेती है और उसे ही विवाह करने के लिए कहती है। लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताया, फिर भी लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। ये स्वामी आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को तीन नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण जीवन देखने के लिए एक बाटा बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल जाएंगे, ये फिर से हरे भरे जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कहते हैं कि हे माता देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय जाने के बाद सर देवीदास पास आता है और देवीदास के दस करता है। लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहाँ पर गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले 32 मासी का व्रत किया है और आप उसके प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की इच्छा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प बाटा में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब बाटा हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह करके वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको जो 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे, लेकिन वे मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर उनके अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहाँ पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।